हेलो दोस्तों, स्वागत है एम विद रोहित चौहान चैनल में। दोस्तों आज ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और बीपी मतलब होता है ब्लड प्रेशर। आज इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ईसीजी क्या होता है वो हम जानेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इधर आपका ईसीजी का है, उधर वो बीपी का है। तो सबसे पहले क्या हम ईसीजी के बारे में जानेंगे। देखिए ईसीजी जो होता है हमारे जो हृदय की जो गति के बारे में बताता है, क्या हमारे हार्ट की कंडीशन क्या है, हमारे हृदय की स्थिति क्या है, वो ईसीजी बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, जैसे कि आप स्क्रीन पर इसमें आप देख पा रहे हैं, ये PQRST लगा हुआ है ना। और ईसीजी में कुल मिला के 12 लीड्स लगी होती है फ्रेंड। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है 12 लीड्स लगे होते हैं, और इसके माध्यम से क्या है हम हार्ट की स्थिति को हम जानते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में हार्ट जो हृदय जो है सबसे प्रमुख अंग है। ठीक है, हार्ट का काम क्या होता है, खून को पंप करना होता है। ठीक है, एक तरफ क्या है अशुद्ध खून आता है, और एक तरफ क्या है वो शुद्ध खून क्या है शरीर से बाहर जाता है, हृदय से बाहर और शरीर की तरफ वो जाता है। वो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में हार्ट के बारे में फुल वीडियो में बताऊंगा कि हार्ट क्या होता है, कितने इसके कमरे होते हैं, कितने इसके चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के बारे में अगले वीडियो आपको बहुत जल्द आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या है हम ईसीजी के बारे में जानते हैं। देखिए जब हार्ट में ब्लड एंट्री होता है ना, जब हार्ट जो होता है ना, देखिए फ्रेंड्स, जैसे हार्ट में क्या है, जब ब्लड एंट्री होता है तब वो पी दर्शाता है। ठीक है, जब हार्ट में, जब दिल में ब्लड की एंट्री होती है तब पी दर्शाता है। और बाकी जो आप देख पा रहे हैं QRST है ना, QRS है ना, ये क्या है आपकी उसकी क्या है गति को बताता है। ठीक है, ब्लड कैसे उसकी फ्लो है, अगर ये अगर ज्यादा चला जाता है तो भी दिक्कत है, अगर कम हो जाता है तो भी दिक्कत है ना। तो ज्यादा होना भी वो प्रॉब्लम समस्या क्रिएट होगी, अगर कम भी होता है तो भी समस्या क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसका कहने मतलब ये है कि जब ब्लड क्या है इस पी में जब एंट्री मारता है, जब ब्लड क्या है हार्ट में एंट्री करता है तब पी से डोनेट होता है, बाकी क्रिया क्या है QRS से संबंधित होता है। ठीक है, ये आपका ज्यादा भी हो सकता है तो बोलेंगे हार्ट की कंडीशन कुछ ज्यादा खराब है, तो हमें क्या है वो नॉर्मल स्टेज में चलना चाहिए। ठीक है, और लोग कहते हैं बाद में ऐसा हो जाता है, मतलब कि हमारे हार्ट की कोई भी स्थिति नहीं है, वो हार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जब ब्लड क्या है इसमें एंट्री मारता है तो वो पी से डोनेट करते हैं, फिर QRS है ना, ये आपका कम और ज्यादा हो सकता है, ज्यादा होना भी दिक्कत है, कम होना भी दिक्कत है, एक क्या है एक पर्टिकुलर पे वो चलना चाहिए। ठीक है, और इससे पी से क्या है वो ब्लड क्या है बाहर वो जा चुका, वो चीज वो दर्शाता है। और ईसीजी में क्या है कुल मिला के 12 लीड्स होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको हम बीपी कहते हैं, ऊपर जो है वो सिस्टोलिक है, नीचे जो है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, बीपी मतलब क्या होता है खून का वो प्रेशर होता है ना, कितना उसमें दाब है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि ऊपर आप लिखा होगा यहाँ पे, इसको कहते हैं सिकुड़ना। जब खून क्या है सिकुड़ता है तो क्या है मतलब कि खून क्या होता है वो जाता है। ठीक है, देखिए जब खून जब आपका क्या है वो हार्ट ऐसे सिकुड़ेगा है ना, तो खून क्या है वो जाता है। देखिए आप किसी चीज को आप पिचकाएंगे, जैसे गुब्बारा है उसको पिचकाएंगे तो क्या है वो चीज क्या है निकलेगी, हवा निकलेगी, या कुछ जैसे पिचकाएंगे तो क्या है वो वहां से क्या है निकलेगा। ठीक है, तो निकलने को क्या कहते हैं सिस्टोलिक कहते हैं, और डायस्टोलिक मतलब क्या होता है किसी चीज का आना, तो वो क्या चीज क्या है फूलती है। जैसे हम गुब्बारे को हम हवा जब उसमें डालते हैं तो गुब्बारा क्या फूलता है, तो मतलब वो चीज आना होता है, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक कहते हैं। समझ पा रहे हैं कि जैसे नॉर्मल जो बीपी जो कितना होना चाहिए 120 से 80 होना चाहिए, मतलब 120 हाई होता है कि सिस्टोलिक होता है, और 80 जो होता है वो आपका डायस्टोलिक होता है। ठीक है, कितना वो गया है कितना ब्लड आया है, यही होता है नॉर्मल बीपी। नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80 होता है। ठीक, अगली बात कर लेते हैं हाई बीपी। हाई बीपी मतलब क्या होता है, जब 120 से ऊपर चला जाता है तब आपका क्या है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, मतलब 120 से ऊपर चला गया, ऊपर वाला भी
ये मतलब कि ये हमारा क्या है सिस्टोलिक है और ये क्या है हमारा वो डायस्टोलिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ब्लड का आना और इसका मतलब होता है ब्लड का जाना। देखिए ब्लड क्या है एक पर्टिकुलर एक रेशियो में चलता है, ये क्या है एक रेशियो बताता है, ठीक। हमारा नॉर्मल बीपी इतना होना चाहिए। देखिए बीपी का ज्यादा होना भी दिक्कत है, बीपी का कम होना भी दिक्कत है। हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है कुल मिला के ऐसा होना चाहिए। देखिए अगर ज्यादा बीपी का है, जब इंसान ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो उसे बीपी से शिकायत हो जाती है ना। और स्टूडेंट्स को क्या है थोड़ा बीपी उनका हाई होना चाहिए, तभी क्या है उन्हें पढ़ाई लिखाई पे मन लगेगा। ये उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए एक एडवांटेज होता है। लो बीपी में क्या होता है लोग क्या खड़े खड़े ऐसे करके गिर पड़ते हैं, वहां पे ऐसे गए फटाफट गिर पड़े, तो लो बीपी में ये शिकायत होती है। उनका क्या है 120 से काफी कम होता है, वो 100 होता है, तो ये कितना होता है हमारा 80 होता है। इसे कहते हैं हाइपोटेंशन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे किसी को क्या है लो बीपी है तो क्या है कि भाई आप किसी से फाइट फूट करिए, लड़ाई वड़ाई करिए, अपने आप क्या है बीपी आपका नॉर्मल आ जाएगा भाई, है ना। और अगर हाई बीपी है तो उसको क्या है कि प्यार संबंधी आप बातें करिए, है ना, किसी से हाई हेलो करिए, तो आपका हाई बीपी है वो नॉर्मल आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें आपको सब समझ में आई होंगी। ये हमारा ईसीजी का रहा, ये हमारा ब्लड प्रेशर रहा है। तो बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन है उसको आप ऑन रखिएगा, तभी आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।